नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अब आप समझ लीजिए कि बिहार में लॉकडाउन लगने ही वाला है, नहीं तो पूरी तरह खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ आज निर्देश भी दिया है अधिकारियों को और इंगित भी किया है कि ये आंशिक लॉकडाउन है। हालांकि नाइट कर्फ्यू का कोई प्रावधान अभी नहीं लागू होगा, लेकिन आने वाले 3-4 दिन में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव, अपर सचिव और प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ रहे कोरोना खतरे को लेकर के सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है और ऐसे में 7 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी और जिला प्रशासन, जिला पुलिस को आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया। यह नहीं, 18 अप्रैल तक, जो 11 अप्रैल तक बंद होने वाले थे, 18 अप्रैल तक सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। आप पूरी खबर को सुनिए, आपको पता लगेगा क्या बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद, 30 अप्रैल तक बाजार सिर्फ 7 बजे तक खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गंभीरता से अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अब माने तो आंशिक लॉकडाउन अब बिहार में प्रारंभ हो गया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को 1 सप्ताह और बंद रखने का फैसला लिया है। यानी राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश जारी किया है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें लागू की हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है, जरूरत पड़ेगी तो नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 4 दिन बाद फिर एक बार समीक्षा बैठक होगी, इसके बाद आगे क्या रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, अपर सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव मौजूद थे। प्रेम कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, पटना। और आज कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी, आज से कुछ दिन पहले, उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है, वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, 2 तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुँच रहे हैं और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है, एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रखना है।
और जो लोग भी बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रहते हैं उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की, तो वैसे लोग भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे तो उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव था, तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते और खास करके महाराष्ट्र से तो उनका सब का पूरा टेस्ट, और जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध, और दूसरी बात है कि जो ठीक हैं उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भाई आप घर जाइए और कुछ दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से रहिए, तुरंत बाहर ज़्यादा मत घूमिए, तो इस तरह का भी सब सुझाव भी लोगों को दिया जा रहा है, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी कर रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर तो उसमें ये तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल, तो उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच में जो टीकाकरण का काम है ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है। यूँ तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण के अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है इसलिए ये किया गया है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा, उस पर चर्चा किया है लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेज़ी से बढ़ रहा है तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दीजिए और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया। अभी नहीं, क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट और मान लीजिए कि जो निगेटिव हैं उनको ही सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, ज़रा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगे हम लोग, चाहे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है वो करने का इंतजाम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ है कि जो हम लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर हम लोग बनाए थे, चूँकि उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था 14-14 दिन, तो वो वाली स्थिति तो अभी है नहीं। लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी
हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीजन के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसके बाद हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी खोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर तो लोगों को कहेंगे ना कि जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर देंगे, और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे, तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है कि उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए और उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में ही और स्थिति प्रकट हो जाएगी तो होगा। आपने बंद किया, लेकिन उसी दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे कहीं कोई इंपैक्ट नहीं था, कोई उसको इन्फोर्स नहीं करा रहा था। तो अब एक लोगों में जनरल ये रिएक्शन ये आता है कि कोई भी रूल्स हमी को क्यों इन्फोर्स किया जा रहा है, और जो भी आप जिसपे भी इन्फोर्स कराने जाते हैं उनका कहना है कि अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हम उसको अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा भी लोन है, इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी। क्योंकि ये बार-बार एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप सब कुछ बंद करा रहे हैं ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ ही साथ जो है वो देखता है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। दूसरी बात है कि आखिर कोई भी जो भी इंडस्ट्री है, वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, आखिर कितने दिन तक बंद रहेगा, क्योंकि अब वो लोग बंदी के